और दोस्तों मैंने अभी जस्ट होम लेके पहुंचा और मैंने मेरे दो भाई को मिला यहाँ पे गोहपुर में। बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। नाम है ज्योति मेरी एंड मानव ज्योति पासुंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब 2000 मतलब 3000 कमा लेते हैं मतलब दिन को। इसका मतलब देखो 2000 करे तो आपको 30 दिन का कितना हो गया आपका 60,000। मतलब एक महीने में 7000 कमा लेते हैं। बढ़िया है। सो दोस्तों ये रहा आज का जो मतलब ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। मतलब गुवाहाटी से मैं अपना गांव जा रहा हूँ और मेरा होटल पीछे रह गया यहाँ से। और मेरा उबेर मैंने बुक किया था, यहाँ पे उबेर है तो ये उबेर लेके मैं सीधा निकलने वाला हूँ बस स्टैंड की तरफ। और वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आप देखते रहेगा। और जो भी पहली बार देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ आके आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो यहाँ से अभी होटल से निकल रहा हूँ मैं। रात को अच्छा गुजरा, अच्छा नींद आया, मस्त है, तो बढ़िया है। सो अपना एसी एक उबेर का टैक्सी बुक कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा। ISBT है, ISBT मतलब गुवाहाटी का बस स्टेशन है। चलो तो फिर आप लोग देखते रहिएगा, आपको मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और ये रहा आपका एक्चुअली फ्रंट साइड में बैठने से अच्छा ही था। फ्रंट साइड में बैठूँ क्या मैं? गुड मॉर्निंग। नाम क्या है आपका? दुखिल बोरो। अरे अपना ही आदमी है बोरो। ठीक है मैं आगे बैठता हूँ क्योंकि आगे से ज़्यादा व्यू मिलेगा और ऊपर से भाई के साथ टुकिल भाई के साथ अच्छा ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, टुकिल भाई के साथ दोस्ती भी हो जाएगी अभी यहाँ पे आगे बैठ के, और आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। चलो तो फिर ये टुकिल भाई उबेर चलाते हैं, अच्छा गुवाहाटी में बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं, ऐसे ही काम करना चाहिए सब लोग, है ना। और अपना घोड़कोट उदलगुरी टे, अच्छा उदलगुरी में मेरा बहुत पहचान है, बहुत दोस्त है मेरा। अच्छा हाँ, एक दिन तो घूमना है मुझे उदलगुरी भी। ठीक है। सो ये ओवरब्रिज, फ्लाई ओवर ब्रिज गुवाहाटी का। और गुवाहाटी एक्चुअली अब कोई भी आता है यहाँ से मतलब बाहर से इंडिया की, गुवाहाटी एक मेन पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट का। कोई भी आता है गुवाहाटी में पहले स्टॉप करना पड़ता है। मतलब यहाँ से वो लोग नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर और सिक्किम जहाँ पे भी जाना है आपको यहाँ से जा सकता है। सो आई होप आप लोग को मजा आएगा अब यहाँ पे, और आपको मैं अपना गांव भी दिखाएंगे। ये रहा गुवाहाटी, खूबसूरत सिटी गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का। फिर से गलती मेरा, मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। मैं जब भी मैं बाहर से आया था, लंदन से बाहर आया था, इधर आया था, तभी मैंने अपना कुछ जूते मतलब भूल गया, मैं जूते और टूथब्रश सब कुछ भूल गया। अभी मैं सेल्फी स्टिक जो मतलब मुझे बहुत ज़रूरी है तो वो भी भूल गया मैं। अभी वापस फिर से मैं यू टर्न लिया हम लोग बोरू भाई हम दोनों, और उसके बाद होटल की तरफ जा रहा हूँ मतलब जो सेल्फी स्टिक है उसको लेने के लिए। अगर ब्लॉगर को सेल्फी स्टिक नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, अब इसके लिए मुझे सेल्फी स्टिक ज़रूरी है। चलो वापस जाते हो बकुल VIP मैंने जो होटल रेजेंसी हेरी है कि बोलते हैं मैनेजर है, गए कन्टेक्ट करें लड़ू ভাল গতি সেলফি ষ্টিক পাহৰিছিলোঁ মই আকৌ লৈ গৈছিলোঁ। থেংক ইউ। সো দোস্তো ইয়ে ৰা সেলফি ষ্টিক ভুল গিয়া থা, ইয়ে মেৰা সবচে বেষ্ট পাৰ্টনাৰ হে ভিডিঅ' বনাবলে কে লিয়ে, তো ইছকে লিয়ে বাপস লেনে কো আয়া মে। উছকা ভেলু তো কুছ নহীঁ ইছকা, লেকিন মেৰে লিয়ে বহুত মতলব ইয়ে হে খাস হে, মেৰে লিয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়ে। সো দোস্তো অভি মে ফিলহাল উবেৰ পে হু না, মতলব টেক্সি, আচ্ছা টেক্সি হে, মস্ত হে। और मोरू भाई से अभी बात करेंगे थोड़ा, कौन से अपने मतलब यहाँ पे मतलब गेस्ट, कितने गेस्ट मिलते हैं उनको और मतलब कितने कमाते हैं मोरू भाई मतलब ये गुवाहाटी में टैक्सी चला के उबेर चला के कितना कमाता है मोरू भाई अच्छे से बताएगा अभी। और मोरू और मैं तो मिसिंग हूँ, तो इसका मतलब हम लोग एक ही ट्राइब का है, ट्राइबल ही है हम लोग। बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग का सब कुछ मिल जाता है, मतलब खाने का चीज़ और कल्चर भी बहुत मिलते हैं, और हम लोग एक ट्राइब है। सो असम में आपको पता है बहुत सारे ट्राइब है, और बोरू नंबर वन है ना, मतलब सबसे मतलब असम में मतलब सबसे बड़ा कम्युनिटी है ना ट्राइबल में, है ना ट्राइबल में। और सेकंड हम लोग आता है मतलब इस मिसिंग आता है। सो हम लोग भाई है, हम लोग का कल्चर सब कुछ मिल जाता है। सो खाने का फूड भी मतलब सब कुछ मिलता है हम लोग का, सेम फूड है, हम लोग सेम खाते हैं। सो उनसे बात करेंगे अभी। बोरू भाई आप कितना साल से यहाँ पे चला रहे हैं? उबेर 7 साल हो गया। 7 साल हो गया, 7 साल। ओके 7 साल मतलब 7 इयर्स। दिन में कितना कमा लेते हैं आप?
दिन में ओला उबर को देके 2500 3000 2000 कितना कितना बढ़िया है यार। 2500 2000 मतलब 3000 कमा लेते हैं मतलब दिन को। इसका मतलब देखो 2000 करे तो आपको 30 दिन का कितना हो गया आपका 60,000 मतलब एक महीने में 7000 कमा लेते हैं। बढ़िया है ऐसे ही मतलब सभी लोग मतलब कोई भी अगर मतलब जॉब के लिए रुका है मतलब सरकारी जॉब के लिए लोग मतलब पीछे पड़ा है यार। जॉब क्या है, जॉब करते रहो उसके साथ ये गाड़ी भी चलाओ, क्या बोलते हैं? हाँ ये चाहिए। देखिए मतलब आप गाड़ी भी चला सकते हैं उसके बाद जॉब भी कर जॉब भी ढूंढ सकता है लेकिन आपको 60,000 महीने को मिल जाएगा। मतलब वो मैंने मिनिमम पकड़ा, सही है? मैंने मिनिमम पकड़ा, मिनिमम पे 60,000 मिनिमम है, उसीलिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बराबर। मैं तो सुबह 4 बजे से शाम को 8 बजे तक नॉन स्टॉप, देखिए रात को 8 बजे चला नॉन स्टॉप। और महीने में कोई कोई महीने में 1,20,000-30,000 कमा लेते हैं। देखिए कितना कितना बढ़िया है यार ऐसे ही मतलब। अभी ये सितंबर अगस्त और सितंबर ये 2 महीने थोड़ा कमती हुआ, कम हो गया। अच्छा तभी तो 90,000। क्या बात है, बढ़िया यार माने में। अच्छा आपको अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं मतलब अगर पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं कभी भी टैक्सी, आप कैसे उनको मतलब कांटेक्ट नंबर देना चाहते हैं? हाँ मैं वो लोग जरूर हेल्प करेगा, हाँ। और वैसे भी मतलब उबेर तो आपको कभी भी मिल जाता है आपको? हाँ मिल जाता है कभी भी। और आपको पर्सनल अगर कॉल किया मैंने पर्सनल भी जाता है, कभी भी जाते हैं ना? हाँ जाता है। आपका नंबर बता सकते हैं यहाँ पे? हाँ बता सकता है, नंबर बताइए। 9700772657 और एक बार बताइए 9700772657। बढ़िया है। तो फिर आप कोई भी अगर बाहर से आते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट करके उनको उनका टैक्सी हायर कर सकते हैं, और या तो आसाम की कोई अगर चाहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके उनका नंबर ले सकते हैं। वैसे आप मतलब आप क्या एडवाइस देगा लोगों को मतलब जो मतलब बेकार में बैठा है मतलब जॉब के लिए रुका है जॉब ढूंढ रहा है उनको आप क्या एडवाइस देगा, आप क्या बोलना चाहते हैं आसाम के बंदों को? मैं वो लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहिए, वो लोग आना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया बात बोला। उबर में ओला उबर में अच्छा है, आप जब पूरा अच्छा से मेहनत करेगा तो दिन में 2 से 3 हजार रुपया आराम से मिलेगा, आराम से मिल जाता है। हाँ, ये आपका खुद का कार है? हाँ खुद के कार है। और आप अगर खुद का कार नहीं है आपके पास आप क्या कर सकते हैं? दूसरा का चला सकते हैं, दूसरा से रेंट पे ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट में ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे तो बहुत आदमी अगर कॉन्टेक्ट में तो एल्टो डीजीआर एल्टो तो 10 से 12 हजार ऐसे मिलता है कॉन्टेक्ट में महीने में, महीने के लिए। और डीजीआर तो 15 to 20,000 से का बीस में मिलेगा। क्या कॉन्टेक्ट में, क्या बात है, बढ़िया है यार बढ़िया है। अगर समझो अभी मैं अभी कॉन्टेक्ट में ले लिया 10,000 में ले लिया फिर भी मेरे को मतलब 50,000 की कमाई है, हो जाएगा आराम से, आराम से 50,000 की कमाई है महीने। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए मतलब देखिए आप लोग बिना बैठिए अपने जितना भी ट्राइबल भाई है बोरो मिसिंग रावा जो भी है ट्राइबल भाई लोग आप लोग आइएगा और गुवाहाटी सिटी में मतलब कैपिटल में या तो कहीं भी सिटी में आप लोग उबेर ओला का स्टार्ट कीजिए आप लोग और पैसे कमाइए थोड़ा, क्या बोलते हैं? हाँ अच्छा ये सही बोले। सो मुझे जान के बहुत खुशी हुई आपसे और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और बोरो भाई चंद्र बोरो मेरे भाई बड़े भाई है, बढ़िया लगा मुझे बात करके आपसे, बातचीत करके और आपसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया तो मुझे अच्छा लगा। आपकी लाइफ कैसे जीते ये भी मुझे बहुत पसंद आया, आपके काम का लाइफ काम का जो मतलब लाइफ है मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने मुझे कुछ मतलब हमारे मतलब जो नौजवान है मतलब जिसके पास जॉब नहीं है जॉबलेस है उनके लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया, आपने बोल दिया कि ऐसा एडवाइस दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं फिर, हम लोग आगे देखते हैं अभी आगे का व्यू दिखाते हैं आप लोग को मैं। चलिए तो फिर Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you so much. Welcome to Guwahati, Assam, capital of Assam. So, सबको हार्दिक स्वागत है मेरे तरफ से। आप लोग कोई भी अगर असम पे आए हो और आ रहे हो और या नॉर्थ ईस्ट में घूमने आए हो तो स्वागत है। और ये रहा गुवाहाटी मतलब नॉर्थ ईस्ट का मेन सिटी और ये पॉइंट है मतलब यहीं से मतलब कहीं भी कोई भी स्टेट में आप जा सकते हो नॉर्थ ईस्ट का। और आगे जाके आप लोग को मैं डॉक्टर भूपेन हजारिका का मेमोरियल ये भी दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग चलते रहिए देखते रहिएगा दोस्तों। आप लोग को पता है यहाँ पे जो मतलब असम का
सबसे बड़ा सिंगर भूपेन, डॉक्टर भूपेन हजारिका, उनका ये मेमोरियल ये है, स्टैचू है यहाँ पे। और मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक दिन आप लोग को जरूर दिखाएंगे भूपेन हजारिका का जो मतलब मेमोरियल ये है स्टैचू, और जो भी है जो दिखाएंगे आप लोग को एक दिन, वो आसाम की गुवाहाटी मतलब मेन सिटी में ही है, कभी भी आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं उनको। वेल दोस्तों, अभी जस्ट मैंने ISBT बस स्टेशन पे आया, गुवाहाटी में है, बहुत बड़ा बस स्टेशन है, और उबेर से बात करके, मैंने उबेर वाले से बात करके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मुझे यहाँ पे, और यहाँ से मेरे को बस जाना है, बस से जाना है। देखो गुवाहाटी में ना बस का जो मतलब ये है ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ है बहुत मतलब फेमस है, और ऊपर से यहाँ का जो मतलब ASTC मतलब आसाम गवर्नमेंट का एक ट्रांसपोर्टेशन है, ये लेके आप कहीं भी मतलब जा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी मेरा बस देखते हैं कहाँ पे है बस, बाद में आपको वीडियो निकाल के दिखाता हूँ। चलिए तो फिर, और आ गया गुवाहाटी बस स्टेशन, यहाँ पे पूरा काउंटर, सबका काउंटर यहीं पे लगा हुआ है। ASTC कहाँ पे है देखता हूँ, ये पांजिर का है, मतलब ये काउंटर है, आप डायरेक्ट आके बुक भी कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं, ठीक है, सीधा निकाल बुक कर सकते हैं। वैसे मेरा तो ऑलरेडी बुक कर चुका है, अभी मेरे को बस देखना है, 7 बजे निकलने वाला है यहाँ से। ये रहा बस, चार्टर्ड बस, यहाँ पे देखिए बस पूरा लगा हुआ पे, मतलब हर बस का नाम है, यह चार्टर्ड ASTC का चार्टर्ड बस है, AC वाले और बॉलिन सब बस यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये बस लेकर के मैं अभी अपना गांव जा रहा हूँ, यहाँ से मेरे को 12 घंटा सफ़र करना है फिर से, बहुत लंबा है, मतलब इतना दूर सफ़र मतलब ट्रैवलिंग किया मैंने 14-15 घंटा मतलब फ्लाइट में, उसके बाद फिर अभी यहाँ से 12 घंटा बस पे जाना है। यार अभी ऐसा ही होता है, अभी क्या मतलब बहुत अंदर से आया हूँ मैं, तो ऐसा ही मतलब ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। और सो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके दीजिएगा। वेल दोस्तों, अभी 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद लखीमपुर मतलब आपको अराउंड 4:30 को पहुँच जाएंगे वहाँ पे, और आप कभी भी अगर आसाम में आते हैं तो आप लोग ज़रूर आप लोग ये बस पकड़िएगा, क्योंकि बस मतलब यहाँ पे बस सर्विस बहुत स्टैंडर्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो मैंने नॉन AC वाला मैंने बुक किया, मैंने शायद अच्छा ही रहेगा, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मतलब चार्टर्ड बस पे जा रहा हूँ, तो देखते हैं अभी उसका रेटिंग क्या है, देखता हूँ उनका सर्विस कैसा है। चलो तो फिर, हर जगह आपको यही मतलब ऐसे ही बड़े बड़े बस मिलेगा, त्रिशूल है ये, त्रिशूल और वैकुंठ, सो बहुत सारे मतलब बस यहाँ पे है, बस सर्विस है, तो यही बस सर्विस से मतलब आप कहीं भी आसाम में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मेरा बस स्टार्ट हो गया अभी, रेडी होल, चले अंदर जाते हैं अभी यहाँ से। ये हमारा गाँव की बस, पूरा खाली खाली है अभी फिलहाल। चल देखते इसके बाद रास्ते पे मिलेगा शायद, हाथ में उठाएगा, मेरा सीट ये है, अभी फिलहाल पूरा खाली है। सो अभी बाकी का ट्रैवल यहाँ से बस से मतलब 12 घंटा कम से कम लगेगा मेरे को गांव पहुँचने तक। बस अच्छा ही है, मतलब मैंने गर्मी बहुत है यहाँ पे आसाम पे, तो इसके लिए मैंने एयर कंडीशन का बस ले मैंने बुक किया। तो चले तो फिर दोस्तों, जो भी पहली बार आसाम पे आए हो, आप लोग को ये वीडियो देख के पता चल रहा है, हरियाली मतलब आसाम एक नॉर्थ ईस्ट एक अपना हरियाली की वजह से मतलब पूरा ग्रीन की वजह से एक पहचान है, और वाइल्ड लाइफ मतलब क्या बोलते हैं, जंगल बहुत है यहाँ पे, तो इसके लिए मतलब जैसे कि आपका आपको क्या बोलूँ मैं अभी अपना आसाम में जो नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क है, और चाइना तिब्बत से बहते हुए यारलुंग सेंगपो जो रिवर है आसाम से गुजरते हैं, और आसाम में उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और अरुणाचल में सियांग और धियांग नाम से जाना जाता है ये ब्रह्मपुत्र। सो यही है ब्रह्मपुत्र रिवर, आप लोग देख रहे हैं, और जिस ब्रिज से जा रहा हूँ हम लोग, ये ब्रिज सरायगढ़ ब्रिज है, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है ये, बहुत
और ये 35-35 मिलियन की आबादी का जो स्टेट है, यहाँ पे आप लोग को जैसे मानस नेशनल पार्क है वो देखने को मिलेगा, और ऊपर आपको तो पता ही है चाय का गार्डन के लिए वर्ल्ड फेमस है ये असम। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में, नॉर्वे के वीडियो में बताया था, मैंने ऑनिक्स पार्क में कुछ लोगों को मिला था, मैंने डेनमार्क के लोगों को, उन्होंने असम टी के बारे में मेंशन किए थे, जिक्र किए थे। तो यही है, अभी आज मैं आप लोग को असम का जो टी है, टी गार्डन है, आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा सामने से। और यहाँ की खूबसूरती, मतलब हरियाली की खूबसूरती आप बोल नहीं सकता। अभी मैं रास्ते पे हूँ और गोहपुर में एक बंदा मुझे मिलने वाला है, क्योंकि उसको मुझे मिलने गए हैं। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे मिलने के लिए, तो इसके लिए उसने मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि गोहपुर में रुकने गए और उससे मिलना है। ये रहा दोस्तों दुनिया की सबसे मतलब नंबर वन टी प्रोड्यूसर स्टेट, और जो टी गार्डन है ये रहा, आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं। और आपको ऐसे मतलब टी गार्डन असम में आके गिन के ख़त्म नहीं कर पाओगे आप, इतने मतलब ये सी टी टी गार्डन है। और ये टी गार्डन इतना बड़ा है, ज़मीन इतना कितना एकड़ का है आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, इतना बड़ा ये। दोस्तों मैं असम के बारे में एक एक बढ़िया सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये आपको, मैं रास्ते से गुजरते हुए, मैं अपना घर की तरफ जाते हुए, मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप बनाया मैंने, एक ज़्यादा ज़्यादा लंबा नहीं है इसका, तो हल्का फुल्का आपको मैंने समझा दिया, बता दिया मैंने इसके बारे में, असम के बारे में। और आपको पता ही है असम में मतलब कितने नेशनल पार्क है, और जो नेशनल पार्क है वो इंडिया के लिए बहुत मायने रखते हैं, आपको मैंने बताया। और दोस्तों मैंने अभी जस्ट होम लेन पे पहुंचा, और मैंने मेरे दो भाई को मिला यहाँ पे गोहपुर में, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। नाम है ज्योति मैरी एंड मानव ज्योति पासु, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उन लोग मतलब कृपा रहे थे, ठीक है, तो 3 घंटा मेरे लिए वेट कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा है। दोस्तों ये बंदे लोग मुझे मिलने के लिए बहुत मतलब एक्साइटमेंट था, तो उनको मिल लिया। और दोस्तों मैंने सरायगढ़ ब्रिज के बारे में बात किए थे, मैंने सरायगढ़ ब्रिज के बारे में मैं अच्छे से वीडियो बना के आप लोग को एक कंटेंट बना के दिखाएंगे आप लोग को मैं, तो आज तो ये वीडियो के साथ नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो अच्छे से असम के बारे में भी मैं स्टडी करके और भी बनाने की कोशिश करेंगे मैं। थैंक यू दोस्तों। असम की मतलब जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, और आपको डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के बारे में बताया आपको मैंने, ये जो नेशनल पार्क है इंडिया के लिए बहुत मायने रखते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, और जितना हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फाइनली पहुंच गया मैं अभी अपना गांव के पास। अभी यहां से मैं टुक टुक पकड़ेगा, टुक टुक है ना, ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के अभी यहाँ से अपना गांव जा रहा हूँ। चलिए।